फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो के डिलीवरी बॉय और ब्यूटी इन्फ्लुएंसर के बीच हाथापाई वाले केस में अब एक नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। अब तक पीड़िता बनी महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ब्यूटी इन्फ्लुएंसर हितेशा चंद्रानी पर डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। हितेशा चंद्रानी ने जोमैटो डिलीवरी बॉय कामराज पर हमला करने का आरोप लगाया था। वही अब हितेशा पर आईपीसी की धारा 355, 504 और 506 के तहत बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन में कामराज की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी महिला ने डिलीवरी बॉय को चप्पल से पीटा, गालियां दी और फिर बाद में उसी के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवा दी। ये एफआईआर कामराज की शिकायत पर दर्ज कराई गई है। आपको बता दें, हाल ही में बेंगलुरु की ब्यूटी इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर हितेशा चंद्रानी ने वीडियो शेयर कर बताया था कि ऑर्डर कैंसिल करने पर जोमैटो के डिलीवरी बॉय ने उन्हें मुंह पर मुक्का मार कर जख्मी कर दिया। He pushed the door and he just snatched the order from my table. That is, he entered my house and then he punched me on my face so that I don't get back to him and he ran away. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने हितेशा का खूब सपोर्ट किया और कहा कि उनके साथ गलत हुआ। जोमैटो ने भी तुरंत कार्रवाई की और डिलीवरी बॉय कामराज को कंपनी से निकाल दिया। लेकिन इस बीच मामले में नया मोड़ तब आया जब कामराज ने अपना पक्ष रखा। कामराज ने बताया कि हितेशा की बातें सब झूठ है। कामराज ने बताया कि डिलीवरी लेट होने पर उन्होंने हितेशा से बहुत माफी मांगी, मगर हितेशा उन्हें चप्पल से मारने लगी और जब उसने अपने बचाव में हाथ उठाया तो उस महिला को अपनी ही अंगूठी से नाक पर चोट लग गई। इसके बाद कामराज ने अपनी स्थिति भी बताई कि वो एक गरीब परिवार से है, माँ बीमार रहती है और उनकी ही नौकरी से घर चलता है। हितेशा और कामराज दोनों के पक्ष सामने आने के बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बट गया। वहीं कई सोशल मीडिया यूजर्स डिलीवरी बॉय को सही बता रहे हैं और उसे इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर #SupportKamraj, #SupportZomatoGuy, #JusticeForKamraj ट्रेंड कर रहा है। वहीं जोमैटो ने भी इस बात का आश्वासन दिया है कि वो हितेशा और कामराज दोनों के संपर्क में है और वो इस मामले की पूरी इंक्वायरी कराएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।